हेलो बच्चों, तो उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं यूनिट 5 बोलो या चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर का। क्या है चैप्टर 5? दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब ये है आपका यूनिट 5, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है दैट इज एनेस्थेटिक। अब देखो, यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो एनेस्थेटिक होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है लोकल एनेस्थेटिक और एक होता है जनरल एनेस्थेटिक, ठीक। अब अगर लोकल एनेस्थेटिक की भी बात की जाए तो क्या है ये? पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और जनरल एनेस्थेटिक की बात की जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। इसका मतलब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जनरल एनेस्थेटिक, ठीक। तो जनरल एनेस्थेटिक वर्क कहाँ करता है? ये वो ड्रग्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालती हैं, अपना इफेक्ट डालती हैं, ठीक। कैसे इफेक्ट डालती हैं? ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं। क्या कर देते हैं? डिप्रेस कर देती हैं, जिससे कि क्या होगा? रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस। ये कब होते हैं, कब इनकी जरूरत पड़ती है? मोस्ट ऑफ द टाइम प्रियर टू मेजर सर्जरी। देखो, बहुत पहले के टाइम की अगर बात की जाए, काफी पहले ले लो, मींस जो है सैकड़ों साल पहले, तो पहले ये एनेस्थेटिक वगैरह, एनेस्थीसिया वगैरह का चलन में नहीं था। क्या होता था? अब उस टाइम पे लोग गांव में रहते थे, देहात में रहते थे, जंगलों में रहते थे। अब तो क्या होता है कि एनेस्थीसिया देके बेहोश कर दो, उसका जो भी पार्ट काटना है वो पार्ट काट दो, जितना मेजर सर्जरी करनी मेजर सर्जरी कर दो। पहले क्या होता था? पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी। उस टाइम पे क्या कोशिश किया जाता था, उसको क्या अच्छे से बांध दिया जाए, जैसे आजकल जानवर को बांध के सर्जरी की जाती है, जानवरों की तरह बांध दिया जाता था, या फिर शॉक दिया जाता था कि बेहोश हो जाए किसी तरीके से। उस केस में जब मान लिया नहीं बेहोश हुआ, पैर काटना है या कुछ मेजर सर्जरी करनी है, तो काफ़ी मजबूत लोग उसको या तो पकड़ लेते थे या उसको बांध दिया जाता था कि हिलने ना पाए। उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती थी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते थे, इतना ज़्यादा पेन होता था कि पेन नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, वो बेचारे मर जाते थे। बहुत सारे लोग जो सर्जरी हो रही है वो सर्जरी देख के घबरा जाते थे और उनको अटैक आ जाता था, ठीक। लेकिन आज की डेट में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एनेस्थीसिया यानी जनरल एनेस्थेटिक, तो प्रियर टू सर्जरी, कोई बड़ी सर्जरी करनी है, किसी का कुछ पार्ट काटना है, कुछ भी एक्सवाइजेड करना है, किसी पार्ट में सड़न, जैसे किसी के हाथ में सड़न हो जाए, कहते हैं डॉक्टर हाथ काटना पड़ेगा, तो अब क्या है, एनेस्थीसिया दे दो, या कोई बड़ी मेजर सर्जरी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ भी निकालना है बॉडी से, या कुछ भी एक्सवाइजेड करना है, तो एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, यानी प्रियर टू मेजर सर्जरी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को बेहोश करने के लिए, ठीक। तो अब एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, अब ऐसा नहीं है कि सीधे जाके बेहोश हो गया, इसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं। स्टेज की बात की जाए तो स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, अब स्टेज क्या है, चार पार्ट में एनेस्थीसिया को डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? चार पार्ट में। कैसे? पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है एनाल्जेसिया। दूसरा पार्ट है डेलेरियम। थर्ड पार्ट है सर्जिकल स्टेज। फोर्थ पार्ट की बात की जाए, दैट इज मेडुलरी पैरालिसिस या रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अब देखो होता क्या है कि एक पार्ट समझते हैं। अगर हम एनाल्जेसिया, जो पहला टॉपिक है, अगर हम इसकी बात करें,
देखो चीज़ों को अच्छे से समझ लो, कभी भी बुकिस लैंग्वेज पे मत जाओ। बुकिस लैंग्वेज रटने की कोशिश करोगे एग्जाम में मात खा जाओगे, याद नहीं आता है। क्या कहना चाह रहा है टॉपिक इसको समझ लो और इंग्लिश हिंदी मिला के अपनी लैंग्वेज में लिख दो। ये टेंडेंसी होगी तो जीवन में कभी रटना नहीं पड़ेगा, बस टॉपिक को। देखो मैंने क्या कहा कि मैंने इन्फॉर्म किया है, तो मैंने कैसे किया मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। 3 बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है, आजकल तो जो जीपैट है आपका, राइट। तो पढ़ने का जो तरीका होता है वो सही रखो, मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं तो गधों की तरह हार्ड वर्क करते जाओ, ठीक। एनाल्जेसिया में क्या होता है, एनाल्जेसिया में धीरे धीरे करके क्या होता है, पेन का लॉस होता है, पेन किलर का काम करता है। किसी को बहुत पेन हो रहा है तो स्टार्टिंग में क्या किया भाई, एनाल्जेसिया दिया, दे दिया, पेशेंट काम हो जाता है, ठीक, मतलब नॉर्मल रिलैक्स हो जाता है भाई। जाहिर सी बात, जब पेन कम हो जाएगा तो पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा, एनाल्जेसिया के एंड होते होते एमनेसिया आ जाती है। क्या आ जाता है, एमनेसिया, और एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, सॉरी लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब एंड ऑफ द एनाल्जेसिया, पहली स्टेज के बाद होता क्या है, मेमोरी का धीरे धीरे लॉस होने लगता है। पेशेंट अनकॉन्सियस नहीं होता है, पूरी तरह से होश में रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी याददाश्त जाने लगती, मींस ये क्या हो रहा है, एक सबकॉन्सियस माइंड में एक सपने की तरह रहता है। उसके बाद स्टेज आती है डिलीरियम की, बड़ी खतरनाक स्टेज होती है। इस स्टेज में डॉक्टर को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे एमनेसिया हो रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, तो होता क्या है, सीएनएस डिप्रेस हो गया भाई, क्या होगा, सीएनएस डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन की कंडीशन में जा रहा है, इट मीन्स अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो क्या है, उनका कंट्रोल, जैसे ट्रैफिक मेन बहुत ह्यूज एरिया हो, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले को हटा दिया जाए, लाल बत्ती नीली बत्ती कहीं की भी चालू कर दो, क्या होगा, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, कभी आंखें एकदम बढ़ जाएं, फैल जाएंगी, कभी एकदम बंद हो जाएंगी, बीपी सडनली हाई हो जाएगा या सडनली डाउन हो जाएगा, शुगर लेवल कभी हाई हो गया कभी डाउन हो गया। तो इस स्टेज को कंट्रोल किया जाता है, जब ये स्टेज कंट्रोल हो जाती है, जैसे कंट्रोल होगी, थर्ड स्टेज आती है सर्जिकल स्टेज। सर्जिकल स्टेज की खास चीज ये होती है कि ये स्टेज जैसे चालू हो और ख़त्म होने से पहले जो भी मेजर सर्जरी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, जो भी मेजर सर्जरी है वो सर्जरी कंप्लीट हो जाए, ठीक। अगर नहीं कंप्लीट हुई, पेशेंट को होश आने लगा और डॉक्टर ने और डोज बढ़ा दी, किसकी, एनेस्थीसिया की, अगर डोज बढ़ गई और पेशेंट ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा एग्रेसिव पेशेंट है, उसको और डोज आपने बढ़ा दिया स्टिमुलेट करने के लिए, तो चांसेस हैं कि स्टेज फोर्थ में अगर पेशेंट आ गया, दैट इज़ मेडुलरी पैरालिसिस। मेडुलरी पैरालिसिस मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा, कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा, राइट, यह हिंड ब्रेन का पार्ट है, पीछे की तरफ रहता है, तो ये जो है रेगुलेट करता है किसको, रेस्पिरेशन को, इसको इसीलिए रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी बोलते हैं। मींस रेस्पिरेशन कहने का मतलब, फोर्थ स्टेज में अगर पेशेंट चला गया तो बाद में ऑपरेशन थिएटर पे निकलने के बाद डॉक्टर यही बोलेगा कि पेशेंट या तो कोमा में चला गया या फिर ऊपर चला गया, ठीक। तो ये होती हैं स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ एनाल्जेसिया या जनरल एनेस्थेटिक की स्टेज होती हैं इस तरह से एनेस्थीसिया परफॉर्म, क्योंकि एनेस्थीसिया बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, इसीलिए जितना चाहे डॉक्टर एमडी हो, चाहे जितना बड़ा सर्जन हो, वो डॉक्टर खुद एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लगाता, वो डॉक्टर बुलाया जाता है, एनेस्थीसिया का एक स्पेशलिस्ट होता है, वही डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, चाहे जितने बड़े हॉस्पिटल में आप देख लो, इतना बड़े बड़े ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के लिए एनेस्थीसिया का डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट बुलाया जाता है, क्योंकि थोड़ी भी डोज थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो चांसेस हैं कि पेशेंट मर सकता है, राइट। तो ये बात हुई किसकी, एनेस्थीसिया की, डिटेल में थोड़ी बहुत, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ क्लासेस की, भाई जनरल एनेस्थेटिक में हमको पढ़ना क्या, हमको ड्रग्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ड्रग्स पढ़नी है, तो उन ड्रग्स के बारे में हमें बात करनी है।
अब जब ड्रग्स के बारे में बात करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें जैसे क्लासेस के बारे में, अब जैसे एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक की बात करें तो इसमें दो पार्ट में, एक गैसियस पार्ट में और ड्रग होती है, दूसरा इंट्रावेनस। तो दो तरह की ड्रग्स होती हैं भाई। अगर गैसियस की बात करें तो गैसियस में आपका ईथर आ गया, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड आ गया। इंजेक्टेबल की बात करें, अगर इंजेक्टेबल की बात करें तो इंजेक्टेबल में भी दो क्लास हैं। कौन सी? एक है बारबिट्यूरेट। अब बारबिट्यूरेट्स कौन सी होगी? जिसमें बारबिट्यूरिक एसिड की रिंग होगी। दूसरी कौन सी है? नॉन बारबिट्यूरेट्स। ठीक, अब हम बात करें अगर बारबिट्यूरेट्स की, तो बारबिट्यूरेट में कौन सी ड्रग्स आती हैं? बारबिट्यूरेट में आपकी ड्रग है थायोपेंटल सोडियम। इसका मतलब क्या है? बारबिट्यूरेट्स में थायोपेंटल सोडियम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि थायोपेंटल सोडियम में कौन सी रिंग होगी? बारबिट्यूरिक एसिड की रिंग होगी। ठीक, अब इसमें क्या है नॉन बारबिट्यूरेट में? कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल। ठीक, तो ये ड्रग्स हैं प्रोपोफॉल और कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, किसमें? नॉन बारबिट्यूरेट्स। इसका मतलब इसमें बारबिट्यूरिक एसिड की रिंग नहीं है। ठीक, तो ये बात हो गई क्लासेस की। अब थायोपेंटल सोडियम और कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दो ड्रग हैं जिसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगा है। इसका मतलब तीन ड्रग हैं आपके सिलेबस में, ये तीनों प्रोपोफॉल, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड, थायोपेंटल सोडियम। ठीक, थायोपेंटल सोडियम और कीटामिन की स्टडी करेंगे हम डिटेल में। किसमें? डिटेल में, मींस स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी। तो पहला कंपाउंड अगर देखें, देखो धीरे धीरे करके स्क्रीनशॉट लेते रहना ना। अब पहला जो कंपाउंड है दैट इज थायोपेंटल सोडियम। अब इसको देखते हैं हम लोग, थायोपेंटल सोडियम। ठीक, अब थायोपेंटल सोडियम है तो एस्ट्रिक मार्क है, इसका मतलब हम इसमें देखेंगे पहले स्ट्रक्चर। देखो मेन चीज जो है क्या होती है, स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी। अगर स्ट्रक्चर आईयूपीएसी आपने सही लिख दिया है तो नीचे कौन सी कहानी लिखे हो कोई पढ़ने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसने स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी सही, स्ट्रक्चर देखो होता बड़ा आसान है। पहले हम देखते हैं बारबिट्यूरिक एसिड, क्योंकि बारबिट्यूरेट्स है। देखो इतने में कुछ कहानी भाई, एक आप घर जैसा बना दो, दोनों कॉर्नर पे एनएच लगा दो, ठीक, उसके बाद ये रिंग बन गई, ऐसे कर दो, दैट इज बारबिट्यूरिक एसिड। ठीक, ये रिंग थायोपेंटल में होगी। अब देखते हैं कि नहीं, ऐसे बना दिया, बनाने के बाद इधर एनएच लगा दो, ठीक, फिर ये नीचे रिंग बढ़ा दो भाई, ये रिंग पूरी कर दी। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड ओ, यानी कीटोन ग्रुप लग गया। अब यहाँ पे थायो है, जो ऊपर वाला कीटोन ग्रुप है इसकी जगह सल्फर लगा दो, क्या लग गया? थायो ग्रुप लग गया। ठीक, अब क्या है? पेंटल सोडियम। अब ये तमराज किल्विस की तरह ऐसे करके हाथ बना दो, बना दिया, इधर लिख दो C2H5, क्या लिख दिया? C2H5। यहाँ से देखो, याद करने की कोशिश करो, यहाँ से चार कार्बन साइड में लगा दो, चार लग गए पहली पोजीशन पे, एक नीचे कर दो। अब इन्हीं को चार कार्बन साइड में, एक कार्बन नीचे, इनको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे? ये CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH2 और ये CH3। यही है स्ट्रक्चर आपका थायोपेंटल सोडियम का। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी है। नंबरिंग की बात करें, देखो क्यों, क्योंकि आईयूपीएसी भी हमको देखना है। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी के लिए पहले नंबरिंग। अब नंबरिंग का मतलब क्या है हेट्रोसाइक्लिक में? वो तरीका लेते हैं जिधर से हमको नंबर ऑफ हेट्रो एटम ज़्यादा आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, 6 हो गए। अब हम बात करें किसकी? आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी की अगर बात करें
तो देखो सबसे पहले फिफ्थ पोजीशन पे ढेर सारा सब्स्टिट्यूशन लगा है, तो फिफ्थ पोजीशन से लेते हैं। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा है, पहले इथाइल ग्रुप, राइट, तो फाइव इथाइल हो गया। फिर पांचवी पोजीशन पे एक और रिंग बनी हुई है, मींस लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हैं कार्बन की, 1 2 3 4, चार कार्बन की ये रिंग हो गई। और पहली पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है। यहां तक कोई समस्या? अब देखो ध्यान से, ये हो गया चार कार्बन का, यानी पांचवी पोजीशन पे। फिर देखो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, 1-methyl, फिफ्थ पोजीशन पे ही है 1-methyl, पहली पोजीशन पे ये मिथाइल, और ये क्या है, ब्यूटाइल। 1-methyl ब्यूटाइल, इतना क्लियर। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, सेकंड पोजीशन पे थायो ग्रुप लगा है, यानी थायो बारबिट्यूरिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, ठीक, यहां तक हो गई। ये हो गया IUPAC, फाइव पोजीशन पे इथाइल लगा और फाइव पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, 1-methyl है और ये क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप लग गया। दूसरी पोजीशन पे थायो ग्रुप लगा, यानी थायो बारबिट्यूरिक एसिड। अब क्या है, नाम क्या है इसका, थायोपेंटल सोडियम, ठीक। थायोपेंटल सोडियम में यहां पे एक बॉन्ड हटा के ये सोडियम लगा दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कि ये सब मत करो, यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पे डायस लिख के सोडियम, ये काम कर सकते हो, ठीक। तो बात हो गई किसकी, स्ट्रक्चर और IUPAC की, इतना क्लियर थायोपेंटल सोडियम की। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलर इज येलोइश वाइट, येलोइश वाइट कलर का इसका कलर होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती कुछ लहसुन जैसी, ठीक। टेस्ट इसका बिटर होता है, तीखा। नेचर हाइग्रोस्कोपिक, इट मींस कि अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाए तो ये मॉइस्चर गेन कर लेगा और ओरिजिनल पोजीशन खो देगा, यानी डिटोरिएशन हो सकता है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबल इन वाटर, क्या सॉलिबल इन वाटर एंड स्पायरिंगली सॉलिबल इन अल्कोहल, स्पायरिंगली सॉलिबल इन अल्कोहल, सॉलिबल इन अल्कोहल, और इनसॉलिबल होता है ईथर में। ईथर में सॉलिबिलिटी इसकी नहीं होती। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन वेल एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर्स, ठीक। यूज्ड एज एंटी कन्वल्सेंट एजेंट और जनरल एनेस्थेटिक इंड्यूस करने में, एंटी कन्वल्सेंट और इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक मींस जनरल एनेस्थीसिया देने में। यूज इन मेजर सर्जरीज, यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक। तो ढेर सारे यूज बना के आप लिख सकते हो। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें, ध्यान रखना दोनों चीज़ें सेम है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया है इसलिए बता रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या ऑफिशियल प्रिपरेशन, तीनों सेम चीज़ें हैं। वो आता है थायोपेंटोन इंजेक्शन। थायोपेंटोन इंजेक्शन ये क्या है, ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है एज पर IP। थायोपेंटोन यानी इंडियन फार्माकोपिया में थायोपेंटोन इंजेक्शन का जब आप मोनोग्राफ देखोगे तो मोनोग्राफ कहाँ देखना है आपको, IP में जाके देखना है, ठीक। तो IP में ये आपको मिल जाएगा। दूसरा, ब्रांड नेम की बात करें, ब्रांड नेम क्या है, पेंटोथल सोडियम, पेंटोथल सोडियम और इंट्रावल सोडियम, ये इसके ब्रांड नेम। मीन्स मार्केट में क्या है, थायोपेंटोन का इंजेक्शन आपको पेंटोथल सोडियम या इंट्रावल सोडियम के नाम से मिलेगा, जिसमें मेन जो API है, API बोले तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो मिलेगा आपको इसमें, थायोपेंटल सोडियम, राइट। तो ये बात हुई किसकी, ऑल अबाउट थायोपेंटल सोडियम की। अब हम बात करते हैं कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की। देखो मेन चीज क्या है, प्रॉपर्टीज तो देखो वैसे भी इतने सारे ड्रग्स हैं कि एग्जाम टाइम पे सब कुछ हौच-पौच हो जाता है, लेकिन कम से कम स्ट्रक्चर और IUPAC पे ध्यान दो, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ के लिए आप टेबल बना लो, टेबल में वाटर सॉल्युबल कौन है और इनसॉल्युबल कौन है, बाकी टेस्ट
और ऑर्डर, ये सब चीज़ें आपको वैसे भी क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। ठीक, तो नेक्स्ट हमारी ड्रग है दैट इज विटामिन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, मेन चीज़ है स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी, क्योंकि इसमें एस्ट्रिक मार्क है इसलिए स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी। अब देखो स्ट्रक्चर याद करने का तरीका, बनवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं बना के रख भी सकता था लेकिन बाद में याद नहीं होता है। ठीक, तो याद करने का सबसे सही तरीका क्या है वो देखो ध्यान से। एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग बना लो, बना लिया, साइड में एक क्लोरोबेंजीन बना लो, क्या बना लो, क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये इतना, एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग, एक क्लोरोबेंजीन बनाओ, बना लिया। अब इसके इधर साइड में एक कीटोन ग्रुप लगा दो, कौन सा ग्रुप लगा दिया, कीटोन ग्रुप लगा दिया। अब कीटोन ग्रुप लग गया तो हमको ऑर्थो पोजीशन क्लियर हो गई, या तो ये ऑर्थो होगी या ये ऑर्थो होगी। ठीक, क्लोरोबेंजीन है तो ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, मतलब इस ऑर्थो की पोजीशन से इस ऑर्थो की पोजीशन को हमने कनेक्ट कर दिया। यहां तक समझ में आया? अब देखो जहां से कनेक्ट किया वहीं पे एक ग्रुप और लगा दो, मिथाइल अमीन, कौन सा, मिथाइल अमीन ग्रुप और अटैच कर दो। ठीक, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है किसका है, कीटामिन और इधर HCl लिख दो, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का यही स्ट्रक्चर है। मींस आपने पहले साइक्लोहेक्सेन बनाया, इधर सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया यानी कीटोन ग्रुप, एक क्लोरोबेंजीन बना लो, इसके ऑर्थो ग्रुप, इसके ऑर्थो ग्रुप को आप अटैच कर दो, इसके ऑर्थो ग्रुप पे ही क्या है, मिथाइल अमीन। अब देखो नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहां से अगर इसकी भी नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरह से। दूसरा, यहां पे अगर ये साइड में है तो बात करें तो ये ऑर्थो हो गया, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, यही तो है। अब अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर आईयूपीएसी की बात करें, किसकी बात करें, आईयूपीएसी। सेकंड पोजीशन पे ध्यान से देखो क्या है, दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, पहले दूसरी पोजीशन की बात करें, दूसरी पोजीशन पे लगा है हमारा क्या है, और इसके अंदर भी, यानी इसको 1-2-3-4-5-6 कर सकते हो, इसके अंदर भी 2- क्लोरोफेनाइल या क्लोरोबेंजाइल, जो भी लिखना है। ठीक, क्लोरोफेनाइल हो गया। दूसरा, दूसरी ही पोजीशन पे और क्या लगा हुआ है, दूसरी ही पोजीशन पे और क्या है, मिथाइल अमीनो, क्या लगा है, मिथाइल अमीनो ग्रुप, मिथाइल अमीनो। ये हो गए सारे सब्स्टिट्यूशंस, बचा क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ग्रुप बचा है, तो क्या हो गया भाई, साइक्लोहेक्सेनोन 1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, क्या है, हाइड्रोक्लोराइड। तो कहीं भी आईयूपीएसी, भाई देखो साइक्लोहेक्सेन बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया, दोनों के ऑर्थो पोजीशन को जोड़ दिया हमने, यहां पे कीटोन ग्रुप और ये मिथाइल अमीनो ग्रुप है, दूसरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, एक जगह क्लोरोफेनाइल लिखा है, यहाँ 2- की जगह ऑर्थो भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे ऑर्थो क्लोरोफेनाइल या क्लोरोबेंजीन। ठीक, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल अमीनो, बचा क्या, साइक्लोहेक्सेनोन 1 हाइड्रोक्लोराइड। तो ये बात हुई किसकी, स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी की। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज की। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर इसका वाइट होता है, ऑर्डर स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ठीक, टेस्ट इसका स्लाइट बिटर होता है, सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉलिबिलिटी वाटर में बहुत सॉलिबल होता है, इथर में इनसॉलिबल होता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन वेल एयरटाइट क्लोज्ड कंटेनर्स विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। यूज़ की बात करें तो पोटेंट एनेस्थेटिक होता है, मेजर सर्जरी में यूज़ होता है
और शॉर्ट टर्म सर्जरी जो छोटे मोटी सर्जरीज होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एडमिनिस्टर करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है आईवी यानी इंट्रावेनस। ठीक, दूसरा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या ऑफिशियल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, तीनों सेम चीज़ें हैं। कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन बनता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, मोनोग्राफ ऑफ इंडियन फार्माकोपिया का आप देखोगे कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड तो कैसे इंजेक्शन बना है वो तरीका उस मोनोग्राफ में होगा। कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट बनती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड के नेजल स्प्रे आते हैं, नेजल स्प्रे आते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक, ब्रांड नेम की बात करें तो केटामैक्स, केटामैक्स और कीटामिल ब्रांड नेम है, और भी बहुत सारे बुक्स में है, अपने हिसाब से देख लेना। एक ड्रग और बचती है, दैट इज प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल उसका प्रॉपर्टी और यूज सेम कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की तरह है, वो भी आईवी इंजेक्टेबल में देते हैं। पढ़ना, ना समझ में आए तो फिर बताना, ठीक, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है एक ही दिन में, क्योंकि सेशनल का टाइम है, ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एनेस्थीसिया कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट हम चैप्टर कौन सा लेंगे, हिप्नोटिक एंड सिडेटिव का। ओके, बाय।